NTAUGCNET, Yanin ImageNet. Download it on Google Play Store. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, NTAUGCNET रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 5। इस क्लास में दोस्तों हम ये जानेंगे कि शोध परिकल्पना क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप। दोस्तों इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। और रिसर्च हाइपोथेसिस ये सुनने को हमें बहुत बार मिलता है, लेकिन इसके बारे में हमें बेसिक समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम पूरी रिसर्च को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि शोध परिकल्पना क्या होती है और रिसर्च हाइपोथेसिस के कितने प्रकार होते हैं मेन। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजीनेट है तो जीआरएफ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं, ये क्या होती है। देखिए हाइपोथेसिस या परिकल्पना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, परिकल्पना यानी कि किसी चीज की पहले ही कल्पना करना। देखिए जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर हम कुछ किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के दौरान हम स्टार्टिंग में सोच लेते हैं कि हमारी जो रिसर्च होगी उसका ये रिजल्ट हो सकता है। पहले ही हम कुछ एम लेके चलते हैं कि हमारा रिजल्ट यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक हमारी रिसर्च जानी चाहिए, यानी कि पहले से ही कल्पना कर लेना, पहले से ही थिंकिंग बना लेना, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, जैसे कि परिकल्पना शब्द परि प्लस कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ चिंतन। इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना। भाई इस समस्या के ये समाधान हो सकते हैं, उन पे हम विचार करते हैं। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। और पहला कौन सा है, पहला है हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट करना, एक समस्या का चुनाव करना सबसे पहला, और दूसरा क्या है, परिकल्पना निर्माण करना। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात उसके कारणों तथा कार्य कारण संबंध में पूर्व चिंतन कर लिया गया है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई अभी, यानी कि सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है और उसके बाद में उसके कारण और उसके निदान के बारे में चर्चा की जाती है। और देखिए जो परिकल्पना है हमारी काफ़ी तरह की हो सकती है, और अलग अलग थिंकर ने परिकल्पना को रिसर्च के अंदर अलग अलग तरीके से अपने अनुसार डिफाइन किया हुआ है। इसमें हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कर्लिंगर के अनुसार परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध का कथन मानते हैं। ये क्या मानते हैं, दो या दो से अधिक जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में रिलेशन को इन्होंने क्या माना है, हाइपोथेसिस माना है। मोले के अनुसार परिकल्पना एक धारणा अथवा तर्क वाक्य है जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता उपयोग अनुभव जन्य प्रमाण तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर करना है। यानी कि ये क्या है, ये इन मोले के अनुसार क्या है, परिकल्पना एक धारणा अथवा तर्क वाक्य है। एक धारणा बना लेते हैं, भाई हमारी जो रिसर्च है इस तरह की हो सकती है, हम किसी व्यक्ति के बारे में भी बना लेते हैं ना धारणा, और उसके अंदर रिसर्च के अंदर क्या है कि उसको फिर बाद में टेस्ट किया जाता है कि क्या ये सही है या गलत है, उसको उपयोग करके, उसका अनुभव एक्सपीरियंस करके, सारी चीज़ें करके उसको अच्छे से पता किया जाता है कि सही है या गलत है। गुड एंड हेट के द्वारा परिकल्पना एक बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है, यह
तर्कपूर्ण कथन है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। परिकल्पना जो होते हैं हाइपोथेसिस, वो राइट या रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि हम किसी के बारे में, वो रिसर्च के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो रिसर्च है ऐसी हो सकती है, लेकिन वो वैसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो गलत भी हो सकती है और ये सही भी हो सकती है। ये जो पॉइंट है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके बारे में पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि परिकल्पना क्या है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों परिकल्पना के प्रकार, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले आता है दोस्तों सिंपल हाइपोथेसिस आती है अपनी। साधारण परिकल्पना से तात्पर्य है उस परिकल्पना से जिसके चरों की संख्या मात्र दो होती है। इन्हें दो चरों के बीच के संबंध का अध्ययन माना जाता है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, इसमें दो वेरिएबल होते हैं, उनके बीच में सिंपल रिलेशन बताया जाता है। जैसे हम बात करके चलते हैं, उदाहरण स्वरूप बच्चों के सीखने में पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ सीखना तथा पुरस्कार दो चर है जिनके बीच एक विशेष संबंध की चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ पे दो चर हो गए, एक बच्चे हो गए और एक पुरस्कार हो गया। पुरस्कार मिलने से बच्चे क्या है, जल्दी सीखते हैं और उनमें सीखने की इच्छा ज़्यादा बढ़ती है। इसी तरह जैसे आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है, ये सिंपल चीज़ है दोस्तों। आइसक्रीम खाएंगे ज़्यादा तो उससे क्या है कि बच्चा बीमार हो सकता है। और इसी तरीके से जब हम बच्चे को पुरस्कार देंगे तो उसमें सीखने की भावना क्या है वो ज़्यादा बढ़ेगी, सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जटिल परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। जटिल परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से है जिसमें दो से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दो से अधिक चर होते हैं। जैसे आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है और स्कूल नहीं जा पाता, यहाँ पे तीन चीज़ें होगी दोस्तों। एक तो है आइसक्रीम खाई, बच्चा बीमार हो गया और वो स्कूल नहीं जा पाया, तो तीन चीज़ें होगी ना यहाँ पे, तो ये क्या होगी, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगी जिसके अंदर दो से अधिक चरों के बारे में बात की जाए, वहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स या जटिल हाइपोथेसिस होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सार्वभौमिक परिकल्पना, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। ऐसी हाइपोथेसिस जो सभी हर क्षेत्र में लागू होती हो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहेंगे। इसमें जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि उदाहरण स्वरूप पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। यह एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें बताया गया है संबंध अधिकांश परिस्थितियों में लागू होता है। ये देखिए, ये हमारी क्या यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है। आप चाहे क्लास के अंदर हो, चाहे आप खेल खेल रहे हो, या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फिर आप खेत में काम कर रहे हो, आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो, अगर कोई हमें इनाम देगा कुछ काम करने पे, तो हम में क्या है और भी काम करने की ज़्यादा इच्छा बढ़ेगी, उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और ये जो इनाम देने से सकारात्मक इफेक्ट हर जगह होगा दोस्तों, इंडिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चाहे कहीं भी हो, पूरे दुनिया में ये जो बात है ये हर जगह लागू होगी, पूरे यूनिवर्स में लागू होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहेंगे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल और केवल इंडिया में लागू होती है, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, तो वो यूनिवर्सल हाइपोथेसिस नहीं होगी। यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस जो पूरी दुनिया में एक जैसे लागू हो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अस्तित्वात्मक परिकल्पना, एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस, यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस जो पहले से मौजूद हो। इस प्रकार की परिकल्पना यदि सभी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। ये परिकल्पना क्या होती है दोस्तों, ये हो सकता है सभी लोगों पे लागू ना हो, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति पे लागू जरूर 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 होती है। अब देखिए, जैसे इसमें हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में कक्षा में कम से कम एक बालक ऐसा है जो पुरस्कार की बजाय दंड देने से सीखता है। ये देखिए, ये बिल्कुल सही बात है ना। क्लास के अंदर ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को पुरस्कार दे दो, सभी के सभी सीख जाएंगे, नहीं,
क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको चाहे कितना ही इनाम दे लो, कितना ही प्यार से बात कर लो, वो नहीं सीखते। उनको क्या है, पिटाई करनी पड़ती है उनकी, दंड देना पड़ता है, पुनिशमेंट देनी पड़ती है, तब जाके वो सीखते हैं। तो ऐसे क्लास में कम से कम एक बच्चा तो मिलेगा ही मिलेगा क्लास के अंदर, और हर फील्ड के अंदर, हर कंट्री के अंदर, हर संस्था के अंदर एक से दो व्यक्ति बच्चे ऐसे मिलेंगे जो पुनिशमेंट से सीखते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस, जो कम से कम एक व्यक्ति पे तो लागू होती ही होती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नल हाइपोथेसिस, इनमें से भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों पहले, इसको आप अच्छे से देख लेना। इनके बारे में सबसे पहले प्रोफेसर आर ए फिशर ने बताया था, ये इसका नाम है ना, प्रोफेसर का नाम, ये भी याद रखना। एक बार इसमें से क्वेश्चन आया था पहले कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में किसी ने बताया था। इसमें दोस्तों सबसे पहले आते हैं नल हाइपोथेसिस। शून्य परिकल्पना शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने का उल्लेख करते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो दो वेरिएबल होते हैं उनके अंदर कोई संबंध नहीं होता, जीरो रिलेशन हम उसके अंदर बताते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई संबंध होता ही नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक हम उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की उपलब्धि एवं कला वर्ग के छात्रों की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है, इनके अंदर कोई अंतर नहीं है, यानी कि जीरो डिफरेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमने पांच बच्चे विज्ञान के लिए, पांच बच्चे आर्ट के लिए, हमने सोचा कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है उनमें डिफरेंस होगा, क्योंकि विज्ञान के छात्र ज़्यादा इंटेलिजेंट समझे जाते हैं। लेकिन जब हमने टेस्ट लिया तो दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम आई, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया उनके अंदर। तो क्या हो गया, वहाँ पे क्या होगी, शून्य परिकल्पना हो गई। इसी तरीके से जब हम मान के चलिए दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों की दौड़ करवाई जाती है, रेस लगवाई जाती है, तो उनके अंदर दोनों के दोनों से एक ही टाइम पे पहुंचते हैं, तो उनके अंदर क्या हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। तो वहां पे क्या होगी, नल हाइपोथेसिस होगी, यानी कि उनके अंदर कोई अंतर नहीं है, यानी कि ऐसी परिकल्पना, ऐसे चर जिनके अंदर कोई डिफरेंस ना हो, वहां पे क्या होगा, नल हाइपोथेसिस होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों वैकल्पिक परिकल्पना या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इसके अंदर है दोस्तों, इसको डिनोट करते हैं H1 से डिनोट करते हैं, ये चीज याद रखना आप। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना के बिल्कुल विपरीत होती है। जैसे ऊपर के ही उदाहरण को हम लेते हैं, इंटरव्यू लेने पे हमें पता चलता है कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की उपलब्धि एवं कला वर्ग के छात्रों की उपलब्धि में काफी अंतर है। देखिए, हमने टेस्ट लिया, टेस्ट में हो सकता है आर्ट वाले जो स्टूडेंट है उन्होंने नकल मारी हो, या फिर हो सकता है जो विज्ञान के छात्र है उन्होंने नकल मारी हो, नकल मार के दोनों ने हो सकता है सेम नंबर ले आए हो वो। लेकिन जब हमने इंटरव्यू लिया दोनों का, विज्ञान वर्ग के छात्र का और आर्ट वालों का, अलग अलग इंटरव्यू लिया, तो हमें उनकी नॉलेज के अंदर काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, यानी कि अब उनके अंदर डिफरेंस मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सांख्यिकी परिकल्पना या फिर स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस। जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना का सांख्यिकी पदों में अभिव्यक्त किया जाता है, तो इस प्रकार की परिकल्पना सांख्यिकी परिकल्पना कहलाती है, यानी कि जिसको नंबरों में, संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो किसी भी परिकल्पना को, तो वो क्या होगी, स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस हमारी होगी। शोध परिकल्पना तथा सांख्यिकी परिकल्पना को संख्याओं में व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये देखिए, हमारा नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट किया जाएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट किया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारा एरर इन रिसर्च, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इनमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले हम बात करते हैं Type 1 एरर की बात करते हैं। इन दिस रिसर्च इफ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड क्वालिटी बट रिसर्च डेटा शो
दिस बैड क्वालिटी देन वी से इट टाइप वन एरर। टाइप वन एरर के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट रियल में अच्छा है और रिसर्च हमारी बताती है कि ये जो है गलत है, तो वहाँ पे क्या होगा, टाइप वन एरर होगा। जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे दूध है, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन कोई हमारे रिसर्च की जाए, रिसर्च में ये पता चले कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो क्या होगी, टाइप वन एरर कहा जाएगा उसको। क्योंकि दूध जो है रियल में अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा है, लेकिन उसे रिसर्च गलत बताए, तो वो क्या होगा, हमारा टाइप वन एरर होगा। इसी तरीके से दोस्तों टाइप वन, टाइप सेकंड एरर की हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस रिसर्च इफ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली बैड क्वालिटी बट रिसर्च डेटा शो दिस गुड क्वालिटी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, टाइप सेकंड एरर में इसका उल्टा है, अगर कोई प्रोडक्ट रियल में खराब क्वालिटी का है और रिसर्च उसको बताए कि ये तो बहुत अच्छा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइप सेकंड एरर कहेंगे। अब जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, लेकिन रिसर्च ये शो करे भाई शराब पीना बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, तो वो क्या होगा, हमारा टाइप सेकंड एरर होगा, टाइप टू एरर होगा। तो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखना। और एक और चीज़ है, इन दोनों के बारे में ये भी ध्यान रखना जरूरी है, इनमें से क्वेश्चन आ चुका है पहले, टाइप वन एरर हैपन व्हेन वी रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। जब हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते, तो वहाँ पे क्या होगा, टाइप वन एरर होगा, ये ध्यान रखना आप, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है पहले। और सेकंड है दोस्तों टाइप सेकंड एरर, व्हेन वी फेल द रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। जब हम किसी भी फॉल्स नल हाइपोथेसिस को फेल कर देते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ क्या होगा, टाइप सेकंड एरर होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम लाइव मॉक टेस्ट में करेंगे। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।